मेरा नाम शशिकला सिन्हा है। मैं अभी ठनगन पर सलरम सेंटर है उसमें इंचार्ज के रूप में काम कर रही हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उसी समय मैं अपने स्कूल के बच्चों को सिखाती थी गांधी जी के आदर्शों को कि अपने शहर को अपने आप को कैसे स्वच्छ रहना है। उसके साथ साथ जब मैं अपने शहर के गलियों में वार्डों में जब भी निकलती थी तो कचरे का ढेर देख के मुझे भी लगता था कि मैं बच्चों को सिखा रही हूँ मेरे को भी अपने अंदर उसको चरित्रार्थ करना चाहिए। इस कारण मैंने जब भी कुछ ऐसा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कोई ऐसा जगह नहीं मिलता था तो उस समय जब हम लोग के नगर निगम के द्वारा सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग कराया गया जिसमें कचरों को कैसे आप गोल्ड बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप साथ साथ उससे महिलाओं को कैसे रोजगार भी बना सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग हुआ। तो जब मैं गई और वहाँ जब मैंने सीखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं कैसे कचरे को मैनेज कर सकती हूँ और अपने शहर के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इस काम को स्टार्ट किया। अब शहरों में तो कचरा नहीं नज़र आता है। साथ में हम लोग प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का जो अभियान छेड़े थे उसमें भी आजकल हम लोग शहर में कोई भी प्लास्टिक नहीं है। साथ में हमने एक अपने ही इस सलर तहत गार्बेज कैफ़े खोला है जिसमें लोग प्लास्टिक लेके आते हैं और भोजन करके जाते हैं, जिससे आज हम लोग का अंबिकापुर इतना साफ सुथरा है। टीचर का जॉब छोड़ के फिर ये करना चाह रही थी तो थोड़ी देर शुरू शुरू में घर में भी मना करते थे कि आप ही क्यों, आज भी भैया तो बड़े भैया हैं वो तो मना करते ही कि आप ये कर छोड़ दो, पर मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं ये क्यों करती हूँ। जॉब सभी कोई करते हैं, पैसा के लिए ही करते हैं, लेकिन ना मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ मैं खुश रहने के लिए, और मैं ये करती हूँ ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सुबह सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, 7:30 बजे तक मेरा नाश्ता खाना और अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब हो जाता है। 7:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ और मेरे घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, तो 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ आती हूँ, फिर सभी दीदियों का अटेंडेंस लेती हूँ और फिर बार सबको रिक्शा में भेज देती हूँ। सभी रिक्शा निकल गया मेरे यहाँ से, जैसे 12 रिक्शा निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में, 12 रिक्शे जब कलेक्शन के लिए चले गए उसके बाद मैं रजिस्टर में उनका अटेंडेंस लेती हूँ, साथ में जो वो रजिस्टर का कुछ कुछ मेंटेन करना रहता वो करती हूँ। 5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आज अंबिकापुर जैसे कि सभी को मालूम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 के रूप में आया है।